बहुत देर इंतजार करती रही, मन में विचार करती है जब वापिस संगलदीप में जाएगी, यह भी शर्म की बात है। कभी के कहेगा परिवार काल तो छोरी खिंदाई थी, आज भी उल्टी आ रही। सुनिए भाई, धर्म माल की साधु का रूप बना के वहां धुना लगा के बैठ जाती है। वो दिल्ली के सेठ लोग उस टापू में पहुंच जाते हैं। जब देखा कि वो नई किस्म का साधु बैठे है, जाके दंडोत प्रणाम किया, उसके रूप का बखान करते हैं। मोटी मोटी आंख कटिली की साथ और चटाके का टापू के मैं एकला बाबा जी साथी। सारी बातें पूछी गई। ये कहते हैं, हे महाराज, हम दिल्ली के सेठ लोग हैं, ये जंगल बियाबान का रासा है, यहां आपका रहना ठीक नहीं, आप हमारे साथ जहाज में बैठ लीजिए। विचार करती है कि दिल्ली का तो वो भी जिक्रा करे था, कदे फिर सूतना बैठे। उन सेठ लोगों के साथ में जहाज में बैठ के दिल्ली जमुना जी पर पहुंच जाती है, धुना लगा कर बैठ जाती है। विचार करती है मन में कि तो जरूर छोड़ूंगी, कि दिल्ली का तो जिक्रा करे था वो, अड़प्पा दर बैठेगी। क्या विचार करती है धर्म माल की, क्या
भाई नवीन शर्मा जाटू लोहारी से सौर पिछोर मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। आदरणीय सुरेश पंडित जी महाराज मनहाना से सौर पिछ मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। दो नंबर पे क्या लिखा है शर्मा कलंगा गांव से 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। वहां धुना लगा के बैठ जाती है सेठ लोग आते जाते रहे सारे दिल्ली शहर में इस बात का जिक्र चल जाता है कि कोई नई किस्म का सा दुआ जाए उनसे वार्तालाप करती रही आपस में ये बातें चलती रही और इस बात की भी चर्चा हो जाती है कि दिल्ली शहर में एक बहुत बड़ा सेठ हुआ ताराचंद। जब ये ताराचंद का नाम सुनिया विचार करती है कि ठिकाने सर पूछ रही है पद तो बैठेगी तीसरे नंबर पर। ये विचार करती है कि किसी में फंसी किसी को और फंसियो ना। देखिए पंडियों ने उदाहरण भी दर्शाया यहाँ क्या लिखा है किनारे ये पुकारे तू जो
कहीं को मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू तो नहीं को मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे बहुत बढ़िया गाने वाले संस्कृति के आदरणीय बड़े भाई ओम प्रकाश ककराना से जो लाइव देख रहे कार्यक्रम को सौर किशोर मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद संजय गांधी सरपंच साहब सौर किशोर मान सम्मान करते ही बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद आखिरी नंबर पर क्या लिखा पंडित जी ने, रमाई दिल्ली में कमला जी बयान कथू